वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th सोशल साइंस। ये जो चैप्टर है आज लास्ट कंप्लीट होने वाला है। ये चैप्टर बहुत ही लंबा चैप्टर था, जो कि लंबा और सबसे इजी भी चैप्टर था साथ में। कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज सबको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह को अपना संदेश पहुंचाना होता है इन द डिफरेंट वे। मैन हैज़ बीन यूजिंग द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिंस ई अपियर्ड ऑन दिस प्लेनेट। मैन हैज़ मेड मच प्रोग्रेस। ई हैज़ मेड अचीवमेंट विच हैव प्रोवाइडेड एम कम्फर्ट एंड हॉल फैसिलिटी। मैन हैज़ मेड रिवॉल्यूशन प्रोग्रेस इन द कम्युनिकेशन सेक्टर। ई इज़ द क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। न्यू सोर्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव प्रोवाइडेड हिम ए न्यू फैसिलिटी। मतलब जो पर्सन है वो अपने खुद के फैसिलिटी के लिए अपने कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को क्रिएट करता है। टुडे सिटिंग इन द वन पैलेस सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम डिस्टेंस हैज बिकम ए वेरी इजी। और एक डिस्टेंस को बहुत कम कर लेता है कि भेजने के द्वारा और रिसीव करने के साधन से दी। ये बहुत इजी है, इसमें आपको पढ़ाने की भी क्या इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है ये आपको एक बार सिंपल रनिंग रीडिंग करनी है। दी मेजर मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन सच एज रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर ग्रुप्स प्रेस सिनेमा इंटरनेट केबल मोबाइल सैटेलाइट सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। और ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से होती है। ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद को ही पढ़ना है। पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द इंडिया इज़ द वेरी लार्ज एंड पोस्टल कम्युनिकेशन ऑफ द इंडिया एंडलेस पर्सन लेटर्स एंड स्पीड पोस्ट सर्विस। और स्पीड पोस्ट सर्विस भी ये होता है। अब पहले तो ये पोस्ट ऑफिस की सर्विस थी, ये पहले की बुक छपी हुई है। अब तो आजकल तो बुक्स ये पोस्ट ऑफिस की जगह मैक्सिमम लोग ईमेल से लेटर भेजते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजते हैं। इट ऑपरेट्स पार्सल कार्ड एंड एनुअल सील्ड लेटर। दे आर कैरीड अ डिफरेंट प्लेस बाय द बस ट्रेन्स रेलवेज एरोप्लेन वाटरवे टेलीफोन इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विसेज आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से आपको ये लिखना है। टेलीफोन इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विस ये नहीं है इसका आंसर है ना। बस अगर ये पुराने थे, अब ये सब ये टेक्नोलॉजी सर्विस है और ये तो सबको पता ही है। इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में आपको सबको पता है। इंटरनेट स्टार्टेड 1969 एट द टाइम ऑफ इट वाज यूज्ड ए लिमिटेड एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉन्चिंग ऑफ ईमेल 1972 व्हाट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। थ्रू ईमेल एनी मैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड्स वेयर इंटरनेट सर्विस इज अवेलेबल। सम मैसेज कैन बी सेंट ऑफ थाउजेंड्स ए पर्सन थ्रू ईमेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द वन विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट विच इज़ द लेस एक्सपेंसिव एंड सेव्स टाइम। पर्सन सिटिंग एट ए डिफरेंट प्लेस इन द कंट्री एंड अबॉर्ड कैन हैव ऑब्जर्व थ्रू द ऑडियो एंड विजुअल। और ऑडियो और विजुअल के थ्रू अपन ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं। जैसे ये आप जो वीडियो देख रहे हो ये इंटरनेट के वजह से ही देख पा रहे हैं। जो यूट्यूब चल रहा है ये सबसे बड़ा यही है। इसके बारे में कुछ मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ कि आपको मैं ये समझाऊँ। फोटोज एंड फिल्म कैन बी सेंड फ्रॉम सबको पता है व्हाट्सएप के थ्रू फोटो या फिल्म जो सेंड होती है। इजीली टेकिंग प्लेस ऑफ द वन ऑफ द वर्ल्ड एंड सीन सेंड टू अनदर विद इन द मिनट्स। और कुछ ही मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह अपन इंटरनेट की सुविधा के हिसाब से आप ये अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस कैन ऑल्सो एड टॉप टेलीफोन लाइन्स ब्रॉड लाइन्स सर्विस। सबको पता है 2G 3G 4G अब तो 5G भी दिसंबर तक आने वाला है। ये सैटेलाइट है और उस यहाँ से नेटवर्क आदान प्रदान होता है। टावर्स एंड रेडर्स इंटरनेट मोबाइल एंड टेलीफोन। टेलीफोन के बारे में सबको पता है, एक बार पढ़ लीजिए आप खुद ही।
आई होप सबने पढ़ लिया होगा SCD ISD ये जो कनेक्शन है टेलीफोन, और इसका जो आविष्कार किया है किसने किया है, ग्राम बेल ने किया है। अब मोबाइल के बारे में जस्ट रीड आउट। इन्वेंशन ऑफ द मोबाइल फोन्स ब्रॉट अबाउट ए रिवैल्यूएशन ऑफ टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विस। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कैन बी थ्रू मोबाइल सर्विस विद द पर्सन यूजिंग मोबाइल, और मोबाइल के थ्रू ये यूज होता है। फास्ट इंटरनेट सर्विस लाइक 3G 4G ऑल्सो अवेलेबल ऑन द मोबाइल फोन्स। डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन हैव मेड ए कम्युनिकेशन सर्विस फास्ट एंड इजी। न्यू टेक्निक्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस रेगुलरली, और इसके अंदर मोबाइल के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी आपके बार बार आती रहती है हर समय पे, न्यू अपडेट। जैसे इंटरनेट अपन यूज करते हैं तो आपके अपडेट आते हैं ना ऐप्स में, वही ये आते हैं। और अब ये चैप्टर आज आपके कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेशन से अदर टीचर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने जियोग्राफी का ये मेरे एक ही चैप्टर होता है वो मैंने आपको पढ़ा लिया है। मेरे को अदर क्लास में भी कंप्यूटर पढ़ाया। और ये इसमें जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं जैसे ये वाला, और आई होप पहले ही कर लिए होंगे आपने, जिसने नहीं किए उसके लिए भी, और जिसने कर लिए वो वापस रीड करें, ये होमवर्क आप रीड करें। Thank you.